कल इसरो ने आदित्य L1 को सक्सेसफुली लॉन्च करके इंडिया को स्पेस रेस में एक कदम और आगे बढ़ाया है। लेकिन ये जर्नी इतना भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि चंद्रयान 3 की तरह आदित्य L1 को किसी सॉलिड सरफेस पर लैंड नहीं बल्कि स्पेस में स्टैटिक रखा जाएगा। चंद्रयान 3 के ही प्रोसेस को फॉलो करते हुए आदित्य L1 अपनी जर्नी को स्टार्ट करेगा। L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट 1 अर्थ से 15 लाख किलोमीटर दूर है, जो कि सन और अर्थ के डिस्टेंस का सिर्फ 1% ही है, और ये डिस्टेंस मून और अर्थ के डिस्टेंस से 4 टाइम ज्यादा है, और इसीलिए आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचने में नियरली 127 अर्थ डेज लगेंगे। जैसे ही हमारा सोलर प्रोब लैग्रेंज पॉइंट 1 के करीब होगा तो इसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इसे हेलो ऑर्बिट में इंजेक्ट किया जाएगा, और आदित्य L1 अगले 5 सालों तक लैग्रेंज पॉइंट 1 के अराउंड ऑर्बिट करता रहेगा। लैग्रेंज पॉइंट 1 सन और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में एक ऐसा रीजन है जहां बिना ज्यादा फ्यूल को यूज करके आदित्य L1 स्पेस में स्टेबल रहकर बहुत ही आसानी से सन के कोरोनल मास इजेक्शन को स्टडी कर पाएगा। बट इतने सारे लैग्रेंज पॉइंट्स होने के बावजूद सिर्फ L1 को ही क्यों चूज किया गया? आई विल टेल यू द रीजन। स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो मी फॉर सच मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।